हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इमेजेस फॉर्म इन अ पेयर ऑफ मिरर। बेसिकली अगर हम बात करें प्लेन मिरर का, दो प्लेन मिरर को एक साथ अगर हम कोई एंगल बनाते हुए रखें तो उस पोजीशन में अगर उसके बीच में ऑब्जेक्ट कहीं रहता है तो कितने इमेजेस उसके बनने वाले हैं ये देखने वाले हैं। ठीक है, इमेजेस फॉर्म इन टू इंक्लाइन मिरर्स, मतलब ऐसे अगर हम दो मिरर लेते हैं और उसको इस तरीके से रखते हैं कि दोनों के बीच में एंगल थीटा बने। ओके, दिस इज मिरर वन एंड दिस इज मिरर टू। तो इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें या कहीं भी रखें तो कैसा जो नंबर ऑफ इमेजेज होंगे वो कितने बनेंगे? ठीक है ना, द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म डिपेंड ऑन द एंगल थीटा डिग्री बिटवीन द टू मिरर्स। दोनों के बीच में जो थीटा डिग्री एंगल बन रहा है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। फर्स्ट केस, एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई थीटा, वो जितना एंगल है उससे अगर हम 360 को डिवाइड करते हैं और वो चेक करते हैं कि वो जो वैल्यू है वो अगर ऑड है या फिर इवन है। इन केस अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू ऑड है तब हमारे पास दो केस आने वाले हैं। ठीक है, देन वी हैव टू स्पेशल केसेस। फर्स्ट, ये बात हो रही है कि दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट अगर हम कहीं रखते हैं, ठीक है, या तो इस साइड में या फिर इस साइड में, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले ये देखना होगा कि वो ऑब्जेक्ट किस पोजिशन में है, क्या वो मिरर वन की तरफ है या मिरर टू की तरफ है, ये आपको देखना है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो दोनों के बाईसेक्टर पे, अगर ये इसका बाईसेक्टर है इस एंगल का तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। असिमेट्रिकल का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट या तो मिरर वन की तरफ होगा या फिर मिरर टू की तरफ होगा, मतलब ऑन द बाईसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, असिमेट्रिकल का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट किसी एक साइड में होगा। तो इस केस में 360 बाई थीटा की वैल्यू चेक करेंगे वो ऑड आएगा, तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे वो केवल n होंगे, मतलब जितनी वैल्यू है अगर वो 5 आ रहा है तो वो 5 ही आंसर होगा। बट इन केस ऑफ असिमेट्रिकल पोजीशन, ऑब्जेक्ट को किसी एक मिरर की तरफ होना होगा। केस सेकंड, दिस इज मिरर वन, दिस इज मिरर टू, दिस इज थीटा। अब इसका अगर हम बाईसेक्टर लेते हैं, ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कि यहाँ हो, तो फिर कितने इमेजेस बनेंगे उसी एंगल पे? ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल बिटवीन द मिरर्स देयर नंबर ऑफ इमेजेस एन माइनस वन। मतलब ये कि अगर इस बाईसेक्टर पर, सिमेट्रिकल का मतलब ये कि लाइन जो भी बाईसेक्टर होगा इस एंगल थीटा का उसके ऊपर अगर ऑब्जेक्ट कहीं है, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो एन माइनस वन होगा। एक्चुअली बाईसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रहने का मतलब ये है कि इसमें इमेजेस क्या होगा, ओवरलैप होगा, एक इमेज ओवरलैप होगा, इसलिए हमें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान क्या देना है कि अगर 360 बाई थीटा चेक करना है, अगर वो ऑड है तो हमारे पास दो केस हैं, अगर वो किसी एक मिरर की साइड है मतलब असिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेजेस वही एन होगा, वही ऑड वाली वैल्यू होगी। बट इन केस अगर वो बाईसेक्टर पे है तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो एन माइनस वन होगा, क्योंकि वो बाईसेक्टर पे है, मतलब सिमेट्रिकल है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। तो आपको यहाँ से ये देखना होगा ऑड होना चाहिए, तो उस केस में सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का पोजीशन देखना होगा। ठीक है ना, सपोज दैट एन इज इक्वल्स टू 360 बाई थीटा इज इवन। अगर हम इसी एंगल की बात करें, दोनों मिरर को इस तरीके से रखते हैं, जो बीच का एंगल थीटा है ये डिवाइड करने पे अगर वो 360 बाई थीटा की जो वैल्यू है वो इवन आता है, तो इस केस में चेक करेंगे कि अगर वो इवन है तो उसको उसमें से एक इमेज माइनस करेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो एन माइनस वन होंगे। इसको हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली हम देख सकते हैं, हमारे पास अगर एक न्यूमेरिकल हो जिसमें दोनों मिरर्स के बीच का एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री हो, ठीक है, दोनों मिरर के बीच का जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री हो, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? तो ये हो जाएगा 360 बाई
थीटा 360 बाई 60, दिस इज 6, ये एन की वैल्यू है। ये क्या है, इवन है। अगर ये इवन है तो इवन के केस में हमें सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल से कोई मतलब नहीं है। इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा 5 होंगे, जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो एन माइनस वन मतलब 6 माइनस 1 5 है। मतलब 360 बाई थीटा, अगर थीटा 60 है, अगर वो इवेन आता है तो इवेन का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ इमेजेज होंगे वो हमेशा एन माइनस वन होंगे अकॉर्डिंग टू केस सेकेंड। ओके, बट सपोज डेट अगर यही वैल्यू फिफ्टी डिग्री हो जाए तो फिर क्या होगा। इस केस में 360 बाई 50, ओके 36 बाई 5, 7.2। अब ये जो वैल्यू होगा 7.2 है, तो जो डेसिमल होगा उसको हम डेसिमल पोजीशन को ऐसे केस में हम इसको नेगेटिव करके डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं। अब ये जो 7 है ये चेक करेंगे कि ये क्या है, ऑड है। अगर ये ऑड है मतलब ये कि डेसिमल वाला जो भी न्यूमेरिकल में एन की वैल्यू डेसिमल आएगा तो उसको नेगलेक्ट करते हुए जो वैल्यू है उसको लिखेंगे, वो 7 आया। अब वो चेक करेंगे ऑड है, अगर वो ऑड है इसका मतलब ये कि अब हमको देखना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, वो सिमेट्रिकल पोजिशन और सिमेट्रिकल पोजिशन का मतलब किसी एक मिरर के पास था या सिमेट्रिकल पोजिशन का मतलब बाइसेक्टर पे था। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे और सिमेट्रिकल का पोजिशन है मतलब किसी एक साइड में है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो 7 हो जाएंगे। ओके, बट अगर ये सिमेट्रिकल पोजिशन होगा तो जो नंबर ऑफ इमेजेज होगा सिमेट्रिकल पोजिशन में, सिमेट्रिकल का मतलब ये कि जो नंबर ऑफ इमेजेज है ये n माइनस 1 होगा। ये n माइनस 1 क्यों होगा, जब ये ऑड होगा उस कंडीशन में होगा। ठीक है, ये 7 क्या है, ये ऑड है, 7 ऑड है। तो फिर मैंने देखा कि अगर असिमेट्रिकल है तो ये 7 आएगा, लेकिन सिमेट्रिकल अगर होगा तो फिर n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 6। ओके, नाउ वी हैव टू स्पेशल केसेस। फर्स्ट, इमेजेस फॉर्म इन अ पेयर ऑफ मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम ये कह रहे हैं कि दो मिरर को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं, अब क्या होगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल होगा, इन दिस केस एंगल विल बी 0 डिग्री फॉर पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होगा, थीटा 0 होगा। अब हम आएंगे वापस यहां, एन इक्वल 360 बाई थीटा, 360 बाई 0 डिग्री इन्फिनिटी, जो नंबर ऑफ इमेजेज होंगे वो इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, नाउ ये पैरेलल केस में, पैरेलल का मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या, वो 0 है। अगर वो दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होता ठीक है तब कुछ एंगल बनता, लेकिन ये दोनों पैरेलल है, थीटा 0, तो थीटा 0 होगा, 360 बाई 0 इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब जो नंबर ऑफ इमेजेज वो इनफाइनाइट होंगे। नेक्स्ट, इमेजेस फॉर्म बाई टू मिरर्स प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब इस वाले केस में जो इमेजेस जो मिरर्स थे वो कुछ ऐसे थे, इस वाले केस में जो मिरर है कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 90 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव एन इक्वल 360 बाई थीटा, 360 बाई 90 डिग्री। ओके, देन वी हैव 4 एंड दिस इज इवेन। ये इवेन है, इवेन मतलब केस नंबर 2, 360 बाई थीटा अगर इवेन है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो एन माइनस 1 होंगे, देन नंबर ऑफ इमेजेस एन माइनस 1, दिस इज 4 माइनस 1 3, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 3।
तो इस तरीके से देख सकते हैं, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा जो भी और वो पैरेलल के केस में देखेंगे तो जीरो होगा, बट परपेंडिकुलर के केस में ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ इमेजेस 4 है वो इवन होने की वजह से एक कम हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।